देश में बेरोजगारी की दर पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा हो गई है। पिछले 6 सालों में 90 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। हालात ये हैं कि उच्च शिक्षित ही सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। ये विचार प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने व्यक्त किए। चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई रिपोर्ट में जो स्टडी सामने आई है उसमें ये साफ है कि ग्रेजुएट से पीएचडी के बीच बेरोजगारी की दर 15% पहुंच चुकी है। गुणी पढ़े लिखे उच्च शिक्षित वर्ग में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार पड़ी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आज देश में 73% 18 से 23 वर्ष के बीच के युवा हैं, जो कि कॉलेज में भी नहीं जा रहे हैं। देश में शिक्षा और बेरोजगारी की बहाली चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और भाजपा सरकार पकौड़े तलने पान बेचने की सलाह देने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि विकराल रूप ले चुकी इन समस्याओं पर भाजपा की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी 8 से 15 नवंबर तक देशव्यापी धरना प्रदर्शन करके आंदोलन छेड़ेगी और भाजपा की असफलताओं को जनता के बीच उजागर करेगी। देश में आर्थिक मंदी के बाद लगभग 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। यह आधिकारिक तौर पर आरबीआई की जो है आधिकारिक सूचना है। उससे क्या हुआ कि देश में जो बेरोजगारी बेकारी जो है वो बढ़ी है और आर्थिक मंदी का सामना पूरे देश को करना पड़ रहा है। आज स्थिति ये है कि पढ़े लिखे उच्च शिक्षित नौजवान जो है लगभग 15% जो ग्रेजुएट या पीएचडी के बीच नौजवान हैं उनकी नौकरियां गई हैं। देश में पिछले 6 वर्षों में 90 लाख बेरोजगार लोग हुए हैं, नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। ये सब इसलिए होना पड़ा है कि देश में आर्थिक मंदी के नाम पर जिस ढंग से लूट की गई और जिस ढंग से देश के आर्थिकी को नुकसान पहुंचाया गया उससे पूरे देश में आज जो भयावह स्थिति बनी है ये सरकार उससे जो है वो अपनी आंखें मूंद कर अभी भी जो बातें हैं वो दूसरी बातें वो बातें कर रही हैं जिनसे देश को कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने इन कार्यक्रमों को लेकर देश में इन सब समस्याओं को लेकर 8 तारीख से 15 नवंबर तक के बीच में पूरे देशव्यापी जन आंदोलन करने जा रही है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य का पर्दाफाश किया जाएगा। आज स्थिति ये है कि पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मंदी की वजह से पूरे देश की आर्थिकी की कमर टूट चुकी है, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य का पर्दाफाश करेगी। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।